नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर जनता ने केजरीवाल के हाथ में दिल्ली को दे दिया है। जी हां, एक बार फिर हैट्रिक मारी है आम आदमी पार्टी ने और कहीं ना कहीं केजरीवाल के हाथ में फिर एक बार सत्ता आ गई है। और जिस तरह से काम किया गया था और काम के नाम पर वोट मांगा गया था, उस तर्ज पर कहीं ना कहीं केजरीवाल को जनता ने फिर एक बार चुना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिंद्र आशुतोष जी मौजूद है। आशुतोष जी, क्या कहना चाहेंगे, केजरीवाल को एक बार फिर जनता ने चुना है? सबसे पहले तो मैं केजरीवाल जी को बधाई देना चाहूंगा कि जिस उधेड़ बुन में जो स्थितियां चल रही थी चुनाव के दौरान सलामत, ऐसे लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है जी। कहीं ना कहीं से जो आशंका जताई गई थी उसको लेकर भी एक संदेश गया समाज में कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि आप बड़े बड़े वादे भले ही कीजिए, बड़ी बड़ी बातें कीजिए, लेकिन सबसे बड़ा जो सच यही है कि दिल्ली में हमें कौन चाहिए। केंद्र सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है, उसमें कई गठबंधन के लोग हैं, लेकिन सबसे जो अहम बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से फिर से शिकस्त देने का काम किया आम आदमी पार्टी ने, और सबसे जो अजीबोगरीब बात है कि कांग्रेस ने अपना खाता तक नहीं खोला है। कहीं ना कहीं से यह समझा जा सकता है सलामत कि देश की जो राजनीति है वो अब नई करवट ले रही है और कुल मिलाकर आने वाले दिनों में केजरीवाल का जो डंका है वो और भी ज्यादा प्रबल ढंग से बजेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल, जनता को सबसे पहले हम वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो केजरीवाल और उनकी जो टीम है और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस खुशी को जो है वो जाहिर करते हुए दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल और तमाम वो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल के हाथ में सत्ता दी गई है, जो खुशी है वो तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह वहां पर मौजूद है और तमाम उनके जो नेता है सब मौजूद है और सभी के चेहरे पर फिर एक बार वही खुशी नजर आ रही है। अरविंद जी, सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत लंबा अरसा पहले आडवाणी जी को देखा गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, इस देश के गृह मंत्री रह चुके हैं। जब भी वो चुनाव जीतते थे तब उनका परिवार नजर आता था और उसी कड़ी में एक लंबे अंतराल के बाद अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार आज सामने आया। उनकी जीत में उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है, आज उनका बर्थडे है, तो उस अवसर पर उनका पूरा परिवार था, उनकी पत्नी बेटे भी नजर आए। कुल मिलाकर एक नया संदेश देने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने कि आज आम आदमी की जीत हुई है और ये जीत सिर्फ दिल्ली की नहीं पूरे भारत वर्ष की जीत है। तो कुल मिलाकर उनकी जो सोच है उसमें एक नया इजाफा हमने आज देखा है और उन्होंने कहा है कि काम के बदले अगर आप वोट मांगते हैं तो आपको जीत मिल सकती है, ना कि नकारात्मक बातों को प्राथमिकता दी जाए। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो आज तीन चीजें हैं जिसकी खुशी अरविंद केजरीवाल को मिली हुई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में भी जनता को जब संबोधित किया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि एक तो उनकी जीत हुई है, दूसरी उनकी पत्नी सुनीता का आज जन्मदिन भी है और तीसरा आज मंगलवार भी है। खासतौर पर उन्होंने फोकस किया आशुतोष जी कि आज मंगलवार भी है, कहीं ना कहीं बजरंग बली का दिन है, तो बजरंग बली को भी फोकस करने का प्रयास यहां पर किया गया है। क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जब चुनावी माहौल जब चल रहा था तो बजरंग बली को लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीति गरमाई थी, अरविंद केजरीवाल को घेरने का प्रयास जो है वो किया गया था। और आज जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि आज मंगलवार भी है, तो कहीं ना कहीं वो खुशी जो है अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उन्होंने बधाई भी दी, डायरेक्ट सीधा सीधा कहा कि मैं बजरंग बली का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उनकी आज कृपा बरसी है दिल्ली पर और दिल्ली में जिस तरह से विकास की गंगा बही है, हालांकि बहुत अलग अलग तरीके से लोग विरोध कर रहे थे अरविंद केजरीवाल को लेकर कि इन्होंने देश का नाम खराब किया है, वो पाकिस्तान से बिरयानी की बात को का समर्थन करते हैं, शाहीन बाग के सपोर्ट में खड़े हैं उनके पार्टी के लोग। तो कुल मिलाकर दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही थी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस दिखा, मनोज तिवारी बार बार आज सुबह तक यही कहते रहे कि हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए और हमारी जो सीटों की जो संख्या है उसमें काफी बढ़ोतरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर जनता ने दिल्ली का जो मूड है वो बिल्कुल बदल दिया है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या बाकी जो निर्दलीय पार्टी के जो लोग हैं, उनको भी अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी कि वाकई इस तरह की हार से क्या सबक लेना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण अब नए तरीके से करने की बात केजरीवाल ने साफ साफ कह दी है। साथ ही साथ उन्होंने एक नंबर भी दे दिया है कि कोई मिस कॉल देता है तो वो अपने आप आम आदमी पार्टी का सदस्य बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है सलामत कि इस जीत के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है उसके बाद लग रहा है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा जिस तरह से तमाम चीजें हुई, चुनावी माहौल जिस तरह से बनाया गया और बीजेपी की ओर से जिस तरह से फोकस किया गया शाहीन बाग को मुद्दा बनाया गया और उसी के बेस पर चुनाव जो है वो
देखा जा रहा था कि उसको मुख्य मुद्दा जो है वो बनाया गया था बीजेपी की ओर से। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ये गलती हो गई कि उन्होंने शाहीन बाग को मुख्य मुद्दे के तौर पर देखा? बिल्कुल, बार बार शाहीन बाग की चर्चा हो रही थी, लेकिन परिणाम आते आते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल बदलने लगे, ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई उनकी जो सोच है उसमें काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है और वो अब तक इस हार को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। अभी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो किस तरह से विलुप्त हो गए हैं, सिर्फ मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं। ऐसे में देश की जनता को ये संदेश जा रहा है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर आए थे, 250 की संख्या में सांसद आए थे, अलग अलग मिनिस्टर सीएम आए हुए थे, उसके बाद योगी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था, मोदी जी ने साधा था, वो भी कहीं ना कहीं से बिल्कुल बेरंग नजर आया। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी ने ये सोच रखा था कि जिस तरह से शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात या फिर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने की बात करती है अरविंद केजरीवाल की सरकार, उसमें कहीं ना कहीं से आम आदमी की भावनाएं जुड़ी और यही कारण है कि एक नया विश्वास पैदा हुआ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और उन्होंने एक बार फिर से भरोसा किया अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से गढ़ माना जा रहा है अब दिल्ली को, कहीं ना कहीं उसे ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने हालांकि पूरी तैयारी कर रखी थी आशुतोष जी, तमाम जो केंद्र के मंत्री है वो वहां पर पहुंचे हुए थे, खुद अमित शाह जो है वो डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए, कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए थे, जेपी नड्डा जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी वहां पर नजर आए, लोगों के बीच पहुंचकर बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए दिखाई दिए, तमाम कई राज्य के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने मन बना लिया था कि वो इस बार काम के बल पर, काम के बेस पर वोट देने वाले हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। देखिए, जनता ने तय कर लिया है या फिर जनता समझ चुकी है कि भाषण से ही राशन नहीं मिलने वाला है जी, राशन आपको तब मिलता है जब आप मेहनत करेंगे। और जिस तरह से सरकार ने, खासकर अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो आम आदमी की भरोसा को उसने जीता है और शिक्षा का जो स्तर रहा है सरकारी स्कूलों में उससे पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन एक जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की सुविधा होती है उसका कहीं ना कहीं से एहसास कराया उन माता पिताओं को जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो एक एहसास हुआ है और उनको लगता है कि वाकई हमारे घर में कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में अगर कोई बीमार पड़ता है तो बड़े अस्पताल में भी अगर कोई ऑपरेशन होता है, इलाज होता है, तो उसका खर्च पूरी तरह से दिल्ली सरकार उठाएगी। तो कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा संकेत था और इस बात पर वो खड़े भी उतरे हैं अरविंद केजरीवाल, यही कारण है कि जनता ने उन पर भरोसा किया है। हालांकि बड़ी बड़ी बातें हुई इस राजनीति में, आतंकवादी तक कहा गया इनको, लेकिन उन्होंने बेटा बनकर ये बता दिया कि हर परिवार में 2 करोड़ जो आबादी है दिल्ली की, उस हर घर में कहीं ना कहीं से आज अरविंद केजरीवाल की चर्चा है और यही कारण है कि उनको बढ़ चढ़कर लोगों ने अपना मतदान दिया और वो आज फिर से एक बार सीएम बनने वाले हैं। बिल्कुल आशुतोष जी, अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन लोगों के बीच जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे, जीत का जश्न मनाने के लिए जब वो पहुंचे और लोगों को जब वो संबोधित कर रहे थे, उस वक्त अपने भाषण में उन्होंने क्या कुछ कहा, अपनी स्पीच में उन्होंने किस तरह से अपनी जीत को दर्शाने का प्रयास किया, यह हम एक बार जनता को सुनाना चाहेंगे, दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने अपने इस भाषण में क्या कुछ कहा। मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने संजय सिंह तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। ये दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझ के, जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट दिया। ये हर उस परिवार की जीत है जिनको अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके लोगों का दिल्ली में अस्पतालों में अच्छा इलाज होने लगा है। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है, एक नई राजनीति को जन्म दिया है जिसका नाम है काम की राजनीति। दिल्ली के लोगों ने अब संदेश दे दिया
कि वोट उसी को जो स्कूल बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया, वोट उसी को जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया, वोट उसी को जो 24 घंटे बिजली देगा। वोट उसी को जो सस्ती बिजली देगा, घर घर को पानी देगा, हमारे मोहल्ले में सड़क बनवाएगा। दोस्तों, ये एक नई किस्म की राजनीति है, एक नई किस्म की राजनीति की आज शुरुआत हो रही है। ये देश के लिए बहुत शुभ चीज है, ये देश के लिए बहुत शुभ संदेश है। और यही राजनीति हमारे देश को 21वीं सदी में ले जा सकती है। ये केवल दिल्ली के लोगों की जीत नहीं है दोस्तों, ये हमारी भारत माता की जीत है, ये पूरे देश की जीत है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग दिल्लीवासी प्रभु से यही कामना करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी हमें इसी तरह से दिशा दिखाता रहे, हमें शक्ति दे कि जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने लग के दिल्लीवासियों की सेवा की, अगले 5 साल भी हम सब दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सके। अरविंद जी, मैं सभी दिल्लीवासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, जब अब देखो ना, और मेरे परिवार ने, उन्होंने भी खूब लग के मेहनत की, उन्होंने खूब सपोर्ट किया। परिवार, आज मेरी वाइफ का जन्मदिन भी है। सर, परिवार को आगे करो, सर परिवार आगे आए, आगे आगे आगे, बच्चे आगे, बच्चे आगे, बच्चे आगे, बच्चे, सर बच्चे, मैंने तो केक खा लिया, आप सबको भी खिलाई है। अपने परिवार के साथ जो है वो खुशी मनाते हुए नजर आए केजरीवाल। तमाम वो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे आशुतोष जी, और उनके साथ साथ उनकी पत्नी जो है वो भी मौजूद थी। आज उनका जन्मदिन है ये बता रहे थे अरविंद केजरीवाल। साथ ही साथ आगे बात करेंगे कि बीजेपी का क्या हाल हुआ, किस तरह से बीजेपी इस हार को देख रही है, और कांग्रेस की क्या नीति रहेगी, कांग्रेस की क्या तैयारी होगी आगे आने वाले दिनों में, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। कहना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज हैं, बीमारी है, उसमें भी काफी फर्क पड़ेगा, जैसा मुझे फर्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। ऑल द पेरेंट्स हु हैव स्पेशल किड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू ट्राई आउट साइंटिस्ट मुनीर खान्स मेडिसिन बॉडी रिवाइवल, इट वर्क्ड लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे माउम के लिए उन्होंने। इन जस्ट वन बॉर्डन आई गॉट क्योर्ड एंड ही इज रियली अ सेवियर। पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से ही बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working.
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को जीत मिली है और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति थी, हालांकि जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा हुआ है बीजेपी की। अगर बात करें, आशुतोष जी हमारे साथ लगातार मौजूद है, हमारे सहयोगी। आशुतोष जी, बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़े हैं, इस बात को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं खुशी ये जाहिर कर रही है कि भले ही उनको हार मिल गई है लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो उनका उसमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल, 3 सीट से अगर आप 7 सीट तक पहुंचते हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए, लेकिन एक खुशी के अंदर एक दर्द जो महसूस आज किया बीजेपी नेताओं ने, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई उनको एक बार फिर से आत्ममंथन करना पड़ेगा, इस तरह की योजनाओं पर काम करना पड़ेगा जिससे आम आदमी तक उनकी पहुंच हो, और लगातार बड़ी बड़ी बातें करने की जो एक फैशन सा एक आ गया है। तो नेता अक्सर ये कहते हैं चुनाव के आसपास, चुनाव के बाद तो यही कहते हैं कि चुनाव में हम कुछ भी कहते हैं, हर तरह की बात होती है, लेकिन जनता जो लोकतंत्र में बहुत ज्यादा महत्व रखती है उसकी भावनाओं के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो निश्चित रूप से उसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ता है, और यही कारण है कि एक बार फिर से एक नए अंदाज में एक नए जोश के साथ आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और सबसे जो अहम बात है, कल तक आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे चाहे वो कुमार विश्वास हो, आशुतोष हो या फिर प्रशांत भूषण जैसे लोग हों, इनके जाने के बाद जिस तरह से कमी महसूस हो रही थी कि पार्टी को हो सकता है थोड़ा नुकसान उठाना पड़े, उसको भी इस पार्टी ने बिल्कुल पार सा दिया है। और ये तय मानिए कि जिस तरह से विकास की बात भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ सबका विकास, वो दिल्ली में वो कोई काम नहीं आया, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने 5 साल में काम किया, हालांकि इस बार हैट्रिक बनाई है उन्होंने, कुल मिलाकर उनका जो एक जो जनता की तरफ से प्रतिसाद मिलता है, रिएक्शन कहते हैं, उसको पार्टी ने भी समझा है, और यही कारण है कि आने वाले 5 सालों को भी लेकर लगातार केजरीवाल यही कह रहे हैं कि हम सब मिलकर दिल्ली का विकास करेंगे और कहीं ना कहीं से पूरी दुनिया में एक अलग मॉडल के तौर पर खड़ा करेंगे। आपको याद होगा कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक गुजरात मॉडल पेश किया था दुनिया में, दुनिया को लगा था कि वाकई एक ऐसा भी शख्स हो सकता है कि पूरी स्थिति को बदल सकता है, और जिस तरह से उनका विकास हुआ मोदी जी का वो दुनिया जानती है, वो प्रधानमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं से एक मुझे लग रहा है सलामत कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल का जो कद है भारतीय राजनीति में और भी ज्यादा बढ़ा हुआ देखा जा सकेगा। बिल्कुल, इसके अलावा बीजेपी की अगर हम बात करते हैं आशुतोष जी, तो हालांकि बीजेपी ने पूरी तैयारी की हुई थी चुनाव जीतने की और जिस तरह की रणनीतियां बनाई गई थी, आपको लगता है कहीं उसमें कोई कमी आ गई जिसकी वजह से जनता ने नकार दिया है बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा, आपको भी याद होगा कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं दिल्ली सरकार ने लागू नहीं होने दिया। अगर हम बात निर्भया हत्याकांड की करें, जिस तरह से उसका सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद जो फांसी की सजा सुनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी जिस तरह से विलंब हुआ, बार बार भारतीय जनता पार्टी यही कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने इसमें हस्तक्षेप किया है। हालांकि बाद में अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली की जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने तरीके से काम करती, तो ऐसे में मैं कहां हूं। और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आरोप लगाए उन आरोपों को ढाल बनाकर केजरीवाल मैदान में डटे रहे, और आज बजरंगी भाईजान कहा जा रहा है उनको। बिल्कुल, एक नई सोच के जरिए वो आगे बढ़ते आ रहे हैं, और नकारात्मक राजनीति होती रही है इस देश में। इस बार आपको याद होगा कि किसी पर डायरेक्ट कटाक्ष नहीं किया केजरीवाल ने, ये सब देख रही थी दिल्ली की जनता। केजरीवाल कहीं ना कहीं, केजरीवाल का जो सेट था वो बिल्कुल क्लियर था कि काम के बेस पे जो है वो वोट मांगा जाएगा, और वही उन्होंने अपनाया और उसी रणनीति पर वो काम करते रहे। आशुतोष जी, जिस तरह से बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो वो लगातार अपने काम को गिना रहे थे, अपने काम को जनता के बीच लेकर जा रहे थे, चाहे वो मुफ्त में बिजली हो, स्कूल हो, या फिर अस्पताल हो, मोहल्ला क्लिनिक जैसे काम उन्होंने किया है, और आगे वो लगातार ये कहते रहे कि इस तरह इससे भी अच्छा जो सड़क है, सड़क के दुरुस्तीकरण की बात करें या फिर सड़क और अच्छे तरीके से विकास करने की बात करें, तो लगातार विकास की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें पसंद किया है। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में मनोज तिवारी कहीं ना कहीं लगातार ये आशा लगाए हुए थे कि जीत उनकी होगी, और सुबह में जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने कहा था कि 20 से 22 सीटों के आसपास बीजेपी आ सकती है, लेकिन शाम होते होते जिस तरह का जो रिजल्ट सामने आया है उससे कहीं ना कहीं निराश जरूर हुए हैं। हालांकि मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को शुभकामनाएं दी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को शुभकामनाएं दी, और साथ ही साथ तमाम जो रिजल्ट सामने आए हैं उन्होंने स्वीकारा है कि जो जनादेश है वो स्वीकारा है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जनता का जो हुक्म है वो सराकों पर है। क्या कुछ कहा है मनोज तिवारी ने, ये हम आपको सुनाते हैं। दिल्ली सरकार में
अच्छा करते हुए दिल्ली को उसके अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे और हमने अपने हिसाब से काफी अपेक्षाएं रखी थी। हमारी अपेक्षाएं खरी नहीं उतरी, इसकी हम समीक्षा करेंगे। लगभग दिल्ली का काउंटिंग लगभग समाप्त के कगार पे है और इस समय बीजेपी को अभी जो मैं निकला हूँ देखते हुए तो लगभग 7 सीटों की बढ़त या जीत दिख रही है। अब तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके आपके हिसाब से आपके पक्ष में निर्णय नहीं हो तो मन निराश भी होता है, लेकिन यही धैर्य का समय होता है। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बोलूंगा, निराश नहीं होना है दोस्तों, भाइयों बहनों। दिल्ली की जनता ने जो अपना जनादेश दिया है कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। अच्छी बात यह है थोड़ी सी इस निराशा में भी कि बीजेपी को 2015 की अपेक्षा परसेंटेज काफी बढ़ा है। 2015 में 32% वोटिंग थी हमारे पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में। अभी 38.78% है सिर्फ बीजेपी का, और हमारे जो एनडीए के लोग एलाइज हैं जेडीयू उनको 0.78, एलजेपी को 0.38, 40% तो ऑलमोस्ट ये 40% के आसपास है। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत कठिन मेहनत किया है और हमारी ही तरह उनको भी बहुत इस समय विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा, पर उनकी मेहनत से ही ये, कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये परसेंटेज बढ़ा है। एक हमने ट्रेंड देखा है दिल्ली में, अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है। सिर्फ दो दल तो मनोज तिवारी को सुना आपने, कहीं ना कहीं हिम्मत बनाते हुए दिखाई दे रहे थे और तमाम अपने कार्यकर्ताओं को भी हिम्मत दे रहे थे कि भले ही जीत उनके झोली में नहीं आई हो लेकिन कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले में। जहां 32% था वहां 38% हुआ है, तो कहीं ना कहीं खुशी जो है इस बात को लेकर ही मनाई जा रही है। इसके अलावा जाते जाते आशुतोष जी, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। पूरे चुनावी प्रक्रिया में कांग्रेस कहां थी? देखिए, कांग्रेस के अंदर चुनाव परिणाम आने से पहले ही फूट पड़ गई थी। जिस तरह से संदीप दीक्षित ने, जो शीला दीक्षित के पुत्र हैं, उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं के साथ घोर अन्याय हुआ है और जिनको भी टिकट दिया गया वो उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अपने आप अपने अस्तित्व से खुद लड़ रही है। तो कुल मिलाकर उसकी जो उसमें जो टूट फूट चल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं से एक फायदा उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि उसका खाता नहीं खुलना यही बताता है कि कांग्रेस बिल्कुल एकजुट नहीं है और साथ ही साथ जो भरोसा होना चाहिए जनता के बीच उसको वो पूरी तरह से खो चुकी है। जी बिल्कुल, जो भरोसा होना चाहिए वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो खो चुकी है। फिलहाल बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी को फिर एक बार जनता ने पसंद किया है और सत्ता उनके हाथ में दिया है। देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं और किस तरह से इस आगे की जो विकास धारा है उसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे नहीं सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।